हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुजाहिदुल इस्लाम और आप देख रहे हैं न्यू लर्निंग सेगमेंट्स। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने सेंटेंस को शुरू ही से स्टार्ट किया था, आज हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि हम अगर सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करें तो हमारे लिए मुनासिब है बात करना और हमारे जो वर्क करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। हमको इससे पहले पता हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, ईच, एनी नेम, उसके लिए हमने यूज किया था। प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, दे, वी, इन सब सब्जेक्ट के लिए हमने आर का यूज किया था और स्पेशली आर आई के लिए हमने एम का यूज किया था। तो आइए आज इसी के ऊपर बेस करके हम तीन स्ट्रक्चर सीखेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या है? नंबर वन, सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक को ले लेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं तो इज लेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो आर लेंगे, अगर आई को लेते हैं तो एम ले लेंगे। इनमें से कोई एक ले लेंगे, उसके बाद हम नाउन लेके आएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इन सब को हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके बाद नाउन। दूसरा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक ले लेंगे, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे। पहला स्ट्रक्चर में क्या था? हम नाउन लगाए थे, दूसरे फॉर्मूला में हम एडजेक्टिव लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये तीन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इन स्ट्रक्चर को। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सिंगुलर ले लिया, सिंगुलर ले लेंगे तो इज लेना होगा, उसके बाद ए, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, यू आर टीचर्स, तुम सब टीचर्स हो, दे आर फ्रेंड्स, वे लोग दोस्त है। ये पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट में से कोई एक लिया और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आर के लिए एम लेंगे, उसके बाद उसी के हिसाब से हम प्रेडिकेट लेके आएंगे, डॉक्टर लेके आया, टीचर्स, फ्रेंड्स। अब दूसरा फॉर्मूला का हम एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा। दूसरे में क्या है? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, एडजेक्टिव, ही इज गुड, गुड का मीनिंग अच्छा है, वो अच्छा है, शी इज ब्यूटीफुल, ओ खूबसूरत है, यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। तो देखेंगे कि यहां पर हमने आर्टिकल यूज नहीं किया और ना एस या ईएस है, एडजेक्टिव अपने ही कंडीशन में रहता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे और सब्जेक्ट के मुताबिक हम ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते रहेंगे और उसके बाद सिंपली जो वर्ड एडजेक्टिव होता है वर्ड्स उसको लाके हम बैठा देंगे। ये दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा फर्क आएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक ले लेंगे, उसके बाद ये एडजेक्टिव और नाउन लेके आएंगे, जैसे गुड, और उसके बाद एक नाउन बॉय। तो एक जहन में रखना होगा कि इससे पहले जब एडजेक्टिव और नाउन प्लस होकर के एक प्रेडिकेट की शक्ल में आएगा तो उससे पहले ए एम का यूज करना पड़ता है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, सी इज अ फाइन, सी इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छी मौलमा है, टीचर है। इस तरह से हम बनाते रहेंगे।
You are a famous doctor. Famous doctor. आप एक मशहूर डॉक्टर हो या है, इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पहल किया गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसी के मुताबिक आपका ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, फिर नाउन, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद फिर एडजेक्टिव। दोस्त तीसरे में क्या है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस के फिर नाउन है। इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, जब पहले में हम नाउन लगाए थे उसमें ए एंड डी लगा दिए थे, जब हम कॉमन नाउन यूज करेंगे तब, उसके बाद एडजेक्टिव में ना ए एंड लगाए थे और ना कोई दूसरी चीज लगाई थी, और इसमें भी सेम उसी की तरह आर्टिकल का यूज करेंगे। बस आज का वीडियो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।